हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन ऑफ यानिका। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे चैनल ट्विन ऑफ यानिका को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो हमारा ब्लॉग है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टाइम देखिए हो गया है 4:30। मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि पूरा अंधेरा रहता है 4:30 पर जब आप उठते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल अंधेरा है अभी और बस अब जो है, चलिए हम थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश होके चाय बनने लगते हैं। फ्रेंड्स, आज ना मुझे छोले भी बनाने थे पर मैंने रात में छोले भिगाना भूल गई थी थोड़ा सा, क्योंकि छोले जो रहते हैं उसको फुलाना रहता है तो मैं रात में डाल देती हूँ अधिकतर, पर आज मैं भूल गई थी। तो चलिए, अभी तो 4:30 ही हो रहा है, पानी को थोड़ा सा कुनकुना करके मैं छोले उसमें डाल के फूलने रख दूँगी। क्योंकि जब तक हम लंच की प्रिपरेशन करेंगे, 10 या 10:30 से मैं लंच की प्रिपरेशन में लगती हूँ, तो आराम से काफ़ी अच्छे से फूल जाएंगे ये। तो हल्का सा कुनकुना पानी कर लेती हूँ, उसमें मैं फैलाऊँगी और साथ में ही दूसरी तरफ मैं चाय बनने के लिए रख दी है। तो चाय में जैसे कि आपको पता ही है, मैं इलायची ज़रूर डालती हूँ, तो हम इलायची वाली चाय बनाएंगे, बढ़िया सी, टेस्ट बहुत अच्छा आता है उससे। तो बस ये देखिए, इस तरह से चाय बनने रख दी है, पानी भी गुनगुना होने रख दिया है। बस फिर इनमें ला के मैं छोले जो है उसमें डाल दूँगी, तो जिससे कि अच्छे से छोले 4 घंटे इनको आराम से मिल जाएंगे, तो आराम से ये फूल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाय मैंने बनने रख दी है और इस तरह से आज मैं छोले की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो मैंने छोले भी जो है गर्म पानी में जो है उसको फूलने के लिए रख दिया है। रात में मैं भूल गई थी, मैं लेके आई थी पर मैं भूल गई थी, तो इसको इस तरह से मैंने गर्म पानी में रख दिया है, तो ये फूल जाएंगे अच्छे से। चलिए, जब तक चाय बन रही है हम हो जाते हैं रेडी। फ्रेंड्स, मैं पूरी रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 5:00। करेक्ट 5:00 हो गया है और बस अब मैं चाय पी के निकलूँगी और बस आज जो है जल्दी जल्दी करना होगा। आज भैया जी की जो है पेरेंट्स मीटिंग है 11:15 से, तो वही है, बस जल्दी जल्दी से लंच प्रिपेयर करना, पूजा करना और बस जल्दी करके जाना होगा उसकी मीटिंग के लिए। तो चलिए, अभी तो चाय सब सो ही रहे हैं, चलते हैं वर्कआउट पर। तो फ्रेंड्स, मेरा वर्कआउट हो चुका है, पीछे अभी सब कर ही रहे हैं आप देख सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना जल्दी जाती हूँ क्योंकि बच्चों का लंच प्रिपेयर सब करना होता है ना, इसीलिए जो है तो मैं निकलती हूँ। सबका हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। चलिए, हालत देखिए मेरा कितना ज़्यादा, मुझे पसीना आ रहा है, ये देखिए पीछे मैं सब कर रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब घर में। फ्रेंड्स, अब मैं घर आ चुकी हूँ और ये देखिए पापा सो के उठ चुके थे, उन्होंने आज फिर सारा तैयारी करके रखा हुआ बच्चों का। आज वेडनेसडे है, कलर ड्रेस हाउस ड्रेस रहता है मतलब, और मैं सोच रही थी शूज़ में जाके पॉलिश करना है फटाफट से सबसे पहले, जिसमें वो सूख जाए, पर पापा ने कर ही दिया है तो वो भी एक काम हो चुका है। आज ड्रेस व्रेस सब प्रेस करके उन्होंने रेडी कर दी है और अब बस आज मैं रखने वाली हूँ इनके लिए पोहा। तो जैसे मैंने पोहे की तैयारी कर ली है, पहले तो आते ही साथ पोहा भिगो के रख लिया है, आलू प्याज वगैरह सब काट लिए हैं, मूँगफली निकाल लिया है, धनिया पत्ती, थोड़ा सा नींबू, अच्छा लगे जिसमें टेस्ट बच्चों को भी। तो चलिए, तेल भी गर्म होने लग गया, अब हम इसको अब बनाते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब यानिका का लंच रेडी हो चुका है इस तरह से पोहा, और आज मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ कॉर्नफ्लेक्स ब्रेकफास्ट में, क्योंकि वो लोग वही या तो दूध बिस्किट या चाय बिस्किट ये सभी खा के जाती हैं, कभी पूड़ी, तो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट ब्रेकफास्ट देना भी अच्छा रहता है। तो ये देखिए, मैं आज इनके लिए कॉर्नफ्लेक्स लाई हूँ, तो उसके लिए मैंने दूध गर्म होने रख दिया है, शक्कर डाल के फिर हम इसमें रेडी करेंगे।
चलिए भैया जी तो भाई खाएंगे नमकीन भी, तो क्योंकि उससे भी पूछूंगी, अगर वो भी खाएगा तो उसको भी दे दूंगी, पर भाई जी तो वैसे मुझे नहीं लगता ये खाएंगे। बीच में उसने भी खाना स्टार्ट किया था लेकिन अभी कह रहा था, वैसे कल पूछा था जब, कि नहीं दूंगा, तो इसीलिए उसके लिए यही रहेगा। पर अपनी निकाह को मैं यही देने वाली हूँ आज, दूध अच्छे से गर्म हो जाए। अनी उठ गई है, सो भी रही है, अवनी भी उठ गई है, ये भैया जी उठ के इनका ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया है। नमकीन अवनी निका आज खाने वाली है कॉर्नफ्लेक्स। अभी खाया उसको तो सुबह से बस आने लगती है छींक है, दादा और वो दोनों को। और ये देखो इनको तो देखो जरा, वो उसमें पैर ना मार दे उसके कॉर्नफ्लेक्स में। अनिका ओ मैडम उठो। फ्रेंड्स अवनी हो चुकी है फुल रेडी, ये देखिए कार्ड वगैरह सब टांग लिया, बस शूज़ और सॉक्स रह गए हैं उसके, तो जो कि आज पापा ने बड़ी स्टाइल से करी है स्कूल जाने वाली। पीछे बैक होके दिखाओ पीछे, ये देखिए तो कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं। जो उसको पसंद नहीं आई है अब अनिका की हो रही है तो वो आ ऊँ पापू कर रही है। इसकी हो गई पता भी नहीं चल रहा। हाँ यहाँ से भी बाल से ऐसे कई बार जैसे उसकी मम्मा ने की थी आपकी वैसे वाली करते हैं। ठीक है चलिए फ्रेंड्स, उनको अभी स्कूल छोड़ा जाएगा। वो कॉर्नफ्लेक्स दोनों ने नहीं खाए, सिर्फ दो दो चम्मच खाए इतने से और बस छोड़ दिए हैं फिर। हाँ दो तीन चम्मच बैठ के ऐसे ऐसे करना खाना थोड़ी होता है, सिर्फ दो या तीन तीन चम्मच मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी नहीं खाया है। टाइम हो गया है बाय, बच्चे जा रहे हैं। टाइम देखिए 7:45 हो चुका है। पानी गिर रहा है क्या? ये बौछार सी हो रही है ना, हल्की हल्की बौछार हो रही है। बच्चे जा रहे हैं और चलिए हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो अपनी निका तो जाएंगी गाड़ी से और भैया जी जाएंगे साइकिल से जाते हुए। बाय। टिफिन तो आना नहीं आज, टिफिन तो आना नहीं है। ये अपनी निका उधर जा रही है भाई, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए धूप भी निकली है और बौछार सी भी हो रही है, तेज नहीं है, हल्का जैसे फुहारा चलता है तो हल्की बौछार नहीं होती, वैसा पानी गिर रहा है। तो चलिए आज जो है फटाफट से काम करने हैं, झाड़ू पोछा वगैरह लगाती हूँ। आज भैया जी की मीटिंग है 11:30 से, तो उस पर भी जाना है, आज उसके रिमार्क्स पता चलेंगे, रिजल्ट खुलना है, जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी। तो चलिए जल्दी जल्दी रखते हैं कामों में, और आज बच्चों के लिए बनने हैं छोले जैसे कि आपको पता ही है, तो उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो चलिए फटाफट से लग जाते हैं हम अपने काम में। बच्चों के जाने के बाद पूरा झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद मतलब, उसके बाद फिर मैं फ्रेशन अप हो गई। फ्रेशन अप होने के बाद जो है फटाफट से पूजा करी, पाठ वगैरह करना रहता है वो किया, मंदिर होकर आई और अब जो है मैं लग चुकी हूँ लंच की प्रिपरेशन में। तो पूजा करने के टाइम पे ही मैंने छोले बॉईल होने रख दिए थे, तो छोले बॉईल अच्छे से हो चुके हैं और अब जो है आके मैंने फटाफट से मसाला रेडी किया। मसाला जो प्रिपेयर करना था वही बेसिक मसाले जो रहते हैं, मतलब हमारा टमाटर प्याज लहसुन अदरक वगैरह से, उसको रेडी करके और फिर अब जो है हम छोले की सब्ज़ी को भखारेंगे। छोले वाली रेसिपी भी मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, तो ज़्यादा मसाले मत डालिए, ज़्यादा मसाले से ना जो खड़े मसालों का टेस्ट होता है वो चला जाता है। तो वो सब जैसे कि दालचीनी हुई या बड़ा इलायची जो हम डालते हैं, आपकी इलायची रहती है, लौंग रहती है, तो ये सब का टेस्ट चला जाता है, इसलिए ज़्यादा मसाले यूज़ मत करिए, थोड़ा थोड़ा कम मसालों में ही सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। तो बस ये देखिए मैंने जो है मसालों से अच्छे से सब्ज़ी को मतलब फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। मसाले को पहले हमें अच्छे से भूंजना होगा और फिर हम उसमें छोले डालेंगे, तो बस यही मैं कर रही हूँ, मसाले अच्छे से भूंज लेती हूँ और फिर जो थोड़े थोड़े बेसिक मसाले ही डालूंगी। और इसके लिए मैं इसमें मैं गरम मसाला या दूसरा मसाला नहीं डालती हूँ, इसमें मैं छोले मसाले ही डालती हूँ जो हम सब्ज़ी बना रहे हों। तो ये देखिए छोले भी अब मैंने इसमें डाल दिए, तो कितना अच्छा कलर और मतलब
टेस्टी भी दिख रहे हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी 1.5 ग्लास और फिर साथ में हम सानेंगे आटा, जिससे कि फटाफट से रोटियां, क्योंकि छोले जब जिस दिन बनते हैं तो हम लोगों के लिए तो बनता है रोटी बनती है, और बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं पूरी बड़ी, जिससे कि लगे कि हाँ ये भटूरे हैं, तो छोले भटूरे हो जाते हैं। और जो आज राइस में लगाने वाली हूँ मैं जीरा राइस बनाऊँगी, मतलब सिंपल राइस नहीं बनेगा, आज जीरा राइस बनेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम सेक लेते हैं हम लोगों के लिए रोटी, जब तक सब्जी भी है जो खौल रही है उसमें पानी डाल के मैंने उसको खौलने के लिए कर दिया है। और रोटियां बना लेती हूँ आज जल्दी जल्दी से, क्योंकि तुरंत आटा साना है तो उतना अच्छे जो है रोटियां फूल नहीं रही हैं, क्योंकि ज़्यादा मार नहीं पाई हूँ। आज भैया जी की मीटिंग में भी जाना है तो उसकी भी जल्दी है, 11:30 से उसकी मीटिंग है। तो ये देखिए सब्जी जो है मेरी खौलने लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ। पुलाव मेरा जीरा राइस बन के रेडी हो चुका है, और रोटियां जो ये सब्जी अच्छे से खौल ही रही है, कलर भी कितना प्यारा आया हुआ है, रोटी हमारी बन रही है। और अब जो है ना, क्योंकि टाइम हो गया अपनी निका के आने का, तो उनके खाने के लिए, क्योंकि वो आके पूरी और छोले खाने वाली है, तो उनके लिए मैं बड़ी वाली पूरी भटूरे की साइज़ जैसी वैसी पूरी मैं बनाती हूँ, आटे की ही मैदा, क्योंकि काफ़ी मतलब सूट नहीं करता है कभी कभी, तो इसलिए मैदे की नहीं बनाती हूँ, आटे की ही सिंपल बना लेती हूँ। और तो भैया जी की भी आज हाफ़ डे है, क्योंकि आज लास्ट डे है स्कूल का, तो वो भी जो है आता होगा, उसके लिए भी पूरी बनाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अवनी अनिका ये आ गई है, भाई जी तो साइकिल से ही आएंगे। अनिका आ गई, क्या हुआ आज स्कूल में, कुछ हुआ अलग? जाएंगे, बस जा रहे हैं, तुम लोग का खाना का इंतजाम कर दे, जरा जाएंगे 11:30, दादा भी आते ही होंगे, बता दो फटाफट पहनो कपड़े, हैं खाना दे दें। क्या कराया? साउंड। अच्छा, बॉबल्स पढ़ाए हैं, ठीक है। और क्या है? दिखा रहा, एक एक का देख ले बेटा, ये लिखवाया है ना, कंप्लीट करना है, इसमें गुड मिला है। राइटिंग थोड़ी अच्छी करो अपनी, ठीक है ना? ये चेक नहीं हुआ कितना पैसा, कितना अनटाइडी लिखा हुआ है? अनटाइडी आप दिखाओ, रख लो, पढ़ना भी, अब पढ़ना स्टार्ट हो रहा है। और पीछे भी है, दिखाओ था। हाँ भाई, इस पहले ए डी बर्ड है ना, बी ए डी बैड, एस ए डी सैड, ये लिखना है फिर से, ठीक है। तो चलो आप चेंज करो, फिर जाना भी है मम्मा लोग को, खाना वाना खाओ। तो फ्रेंड्स, बच्चे आ चुके हैं, लंच मेरा प्रिपेयर हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है। और ये बर्तन वगैरह आज भी नहीं हो पाए हैं साफ, तो वो आके करूँगी, अब मीटिंग का टाइम हो रहा है। और ये देखो बच्चों की प्लेट लगा दी है, चलो आओ। ये देखिए अवनी की, अनिका की प्लेट, ये दादा की प्लेट, ये देखिए भाई, इन लोग खाते हैं पूरी। क्या करें, दोनों की बॉटल जम गई, टीजर में रखा हुआ था, ये देखो। तो फ्रेंड्स देखिए, हम मैं हो चुकी हूँ अब रेडी मीटिंग में जाने के लिए भैया जी की, और बच्चों को तो दे दिया है खाना, तीनों जन खा रहे हैं। और चलिए अब चलते हैं स्कूल फटाफट से, चलो मैं जा रहे हैं मीटिंग में भाई जी। अब बस फ्रेंड्स, अब जो है हम उस कॉरिडोर में आ चुके हैं जहाँ पर भैया जी की क्लास है। तो ये देखिए आगे जाके यहाँ पर, ये अभी आगे तो 11th की है, फिर है
उसके बाद जो पड़ेगी 10th ए, अमन का सेक्शन है ए। तो चलिए अब मैं मोबाइल बंद करती हूँ और क्लास के रूम के अंदर चलो। फ्रेंड्स, अमन की मीटिंग से हम लोग आ चुके हैं। एक्चुअली वहाँ क्लास में अलाउ नहीं था, इसलिए शूट वगैरह नहीं किया। बड़ी क्लास है तो उसमें मना करते हैं ये सब, तो इसीलिए नहीं हुआ शूट। और बाकी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, टीचर्स उससे काफ़ी इम्प्रेस हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है उसमें, बहुत अच्छा कर रहा है। वैसे भी वो करता था पर इस बार और भी अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो है, पर हाँ हर बार से बहुत ही अच्छे नंबर वो लाया है, तो टीचर्स भी काफ़ी खुश हैं और हम लोग तो हैं ही खुश बस आगे है, आगे फाइनल में अच्छा लाए, अभी तो अच्छा ला ही रहा है। तो चलिए देखते हैं और कैसा रहता है। कुछ फॉर्म वगैरह दिए हैं फिलअप करने के लिए, तो ये सब फिल करके भेजेंगे और बस बाकी आ ही गए हैं हम लोग घर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, भैया जी को बताते हैं, वैसे तो उसको भी पता ही है। एक क्वेश्चन में उसको हिंदी में नंबर नहीं मिला था, तो उधर हम लोग नंबर पढ़वा के आए हैं, 3 नंबर उसके उस तरह से बढ़ भी गए हैं तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अब घर में ही हम। तो फ्रेंड्स, भैया जी की पेरेंट्स मीटिंग से आ चुके हैं और लंच हम लोग का भी हो गया है, बर्तन वगैरह भी कर लिए हैं क्योंकि बाई नहीं आनी है, मासी नहीं आनी है। तो बस अब जो है आई हूँ कपड़े उठाने, बादल गरज रहे हैं पर है धूप, तो बादल गरज रहे हैं तो उठा लिए जाएं क्योंकि सुबह से डाले हुए थे, इनको उठाना है। और बाकी खेल रहे हैं सब बच्चे, अवनी अनिका भैया जी, पापा आराम कर रहे हैं, मम्मी आराम कर रही हैं, तो कोई आता नहीं उठाने, सब अपने में है, तो बस ये उठाते हैं। और आज का ये ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, हमारे चैनल ट्विन अवनीनिका को सब्सक्राइब करिएगा। तो बस आज का जो रहा, आज हम शाम को मिठाई भी लेकर आएंगे, भैया जी का रिजल्ट आया है काफ़ी अच्छा आया है, तो मिठाई चढ़ाएंगे, अभी नहीं लेके आए थे, शाम में लेकर आएंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। शाम में जब हम मिठाई चढ़ा रहे हैं तो वो हम आप उसका ब्लॉग मैं इसके साथ जरूर ऐड करूँगी, उसका वीडियो मतलब। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सही टाइम पे हम लोग कपड़े उठा के ले आए हैं, कितनी तेज़ बारिश होने लगी है तो मैं आपको बाहर खिड़की से दिखाती हूँ, और एकदम अंधेरा भी छा चुका है और काफ़ी तेज़ बारिश आई है, नहीं तो सारे कपड़े उठाते उठाते मतलब गीले ही हो जाते और हम लोग भी गीले हो जाते। तो ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है आज।